Hello everyone, welcome to Physical Education Guru. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon ताकि जो भी notifications हैं वो आपको जल्द से जल्द मिले. तो students, आज हम net का एक unit करेंगे, sorry एक unit नहीं एक topic है, छोटा सा net का बहुत important topic है और ये सागर रावत ने रिक्वेस्ट की है ये टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं. तो आपको जो भी टॉपिक में डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक में आपको नेट की वीडियो में बना दूंगी, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले थेरेप्टिक मॉडलिटीज होता क्या है, ठीक है. थेरेप्टिक मॉडलिटीज होता है और फिजिकल एजेंट्स that produce a specific therapeutic response. Therapeutic modalities वो physical agents होती हैं, मतलब कोई physical things होती हैं जो हमें produce करती हैं therapeutic response, मतलब जो हमारी disease को heal करता है, ठीक करता है, उसको बोलते हैं therapeutic response. It includes heat, cold, sound, electricity, mechanical force, light. इन सभी चीज़ों से जब हमें डिजीज़ में हेल्प मिलती है, डिजीज़ को ठीक करने में, उसको बोलते हैं थेरेप्टिक मॉडलिटीज़. तो ये देखो जैसे नीचे लिखा है, थेरेप्टिक मीन्स, थेरेप्टिक का क्या मतलब होता है, जैसे रिलेटिंग टू हीलिंग ऑफ डिजीज़, मतलब डिजीज़ को हील करना, उसको ठीक करना, उसको बोलते हैं थेरेप्टिक. तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहला है हमारा क्रायोथेरेपी, ठीक है. सबसे पहला है हमारा क्रायोथेरेपी. क्रायोथेरेपी को कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं और आइस थेरेपी भी बोलते हैं. देन यूज इन इंजरी सच एज स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्ट्यूजन. देखो स्ट्रेन एस टी, टी से टेंडेंट, स्ट्रेन जो है वो टेंडेंट की इंजरी है एंड स्प्रेन जो है वो लिगामेंट इंजरी है. और जो कॉन्ट्यूजन है, कॉन्ट्यूजन जैसे छोटा बच्चा गिर जाता है या फिर नील पड़ जाता है ना, जैसे ब्लू ब्लू हो जाता है या फिर कभी कभी थोड़ा रेडिश भी दिखता है हमें, तो नील पड़ जाता है हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्यूजन, ठीक है. तो ये जो ये इंजरीज हैं इनमें हम क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं. तो इससे होता, अब देखो इससे ये क्यों यूज़ करते हैं हम और इससे होता क्या है. क्रायोथेरेपी से क्या होता है, जब हम आइस या फिर कोल्ड थेरेपी करते हैं, इससे जो हमारी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स या फिर हम नर्व्स बोल सकते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स का क्या मतलब होता है, जैसे पाइप होती है, पाइप के बीच में पानी फ्लो करता है, वैसे ही हमारी वेसल्स होती हैं जिनके बीच में ब्लड फ्लो करता है. तो होता क्या है, जब आइस या कोल्ड थेरेपी हम करते हैं तो हमारी जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, उनके बीच का जो रास्ता होता है वो कम हो जाता है, हल्का सा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है. तो जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाएगा और वहाँ स्वेलिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी. नहीं तो स्किन के अंदर ही ब्लड क्लॉट होता रहता है और उसमें रेडिश रेडिश जो होता है वो हमारा ब्लड की वजह से होता है, क्योंकि अंदर ब्लड हमारा इकट्ठा हो गया होता है. इसीलिए हम क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाए ताकि वहाँ ब्लड कम फ्लो करे. और ये किस लिए हेल्प होता है, पेन कम करता है और सर्कुलेशन जो है वो कम होती है इससे, ठीक है. तो इसके मेथड्स, हम क्रायोथेरेपी कैसे यूज़ करते हैं, हम डायरेक्टली आइस नहीं अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि वो बर्निंग इफेक्ट देता है. हम हमेशा आइस को किसी पॉलीथीन में डाल के या फिर आइस बैग्स उस तरीके से यूज़ करते हैं. तो आइस मसाज देते हैं हम, आइस को टॉवल्स के मतलब उससे भी यूज़ कर सकते हैं, टॉवल्स में आइस डाल के, या फिर कोल्ड पैक्स, ये मतलब रेडीमेड भी मिलते हैं बाज़ार से कोल्ड पैक्स, एक बैग की तरह होता है, तो उसमें मतलब या कोल्ड पानी होता है, वाटर होता है, या फिर आइस पड़ी होती है, ठीक है, और आइस बैग्स, ये सारी चीज़ें हैं हम जिससे हम क्रायोथेरेपी जो है वो करते हैं. देन हमारा नेक्स्ट आता है थर्मोथेरेपी. थर्मोथेरेपी का मतलब होता है, इसको हीट थेरेपी भी बोलते हैं, मतलब हीट थेरेपी मतलब ये वार्म में आ जाता है, ठीक है. तो इसको हीट थेरेपी भी बोलते हैं. यूज मोस्टली इन क्रोनिक इंजरीज. देखो ये दो होती हैं, एक होती है क्रोनिक इंजरीज, एक होती है एक्यूट इंजरीज.
क्रोनिक इंजरीज, जैसे हम बोलते हैं क्रोनिकल एज, क्रोनिकल, जैसे हम कभी सीक्वेंस में भी लगाना होता है तो भी बोलते हैं इसको क्रोनिकल एज में लगाओ, मतलब क्रोनिकल का मतलब होता है सबसे पुराना, ठीक है। तो क्रोनिक इंजरीज मतलब जो किसी को बहुत देर से कोई मतलब इंजरी हुई हो, तो हम इसको क्रोनिक इंजरी में यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीट, हम हीट की एप्लीकेशन करते हैं टू क्रिएट वैसो डायलेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड प्रोमोट हीलिंग। अब देखो सबसे बड़ी बात, जब हमने पहले क्रायो में किया था, क्रायो में हम आइस का यूज़ करते थे ताकि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो, अब हम थर्मो हीट का यूज़ करते हैं ताकि वैसो डायलेशन हो। अब इसका क्या फंक्शन है, वैसो डायलेशन का मतलब होता है कि हमारी ब्लड वैसल जो है वो खुल जाती है, ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से होता है हमारी वैसल्स में। तो जब ब्लड तेज़ी से होता है तो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, मतलब ये मिनरल्स वगैरह होते हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे से पहुंचते हैं और वहाँ पे मतलब जल्दी से डिजीज़ जो है वो ओवरकम करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम वैसोडाइलेशन करते हैं। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है मतलब जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जो भी रिएक्शंस होती हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट जल्दी निकलता है और मेटाबॉलिज्म जो है हमारा स्ट्रांग होता है, केमिकल रिएक्शन अच्छे से होती है और एनर्जी बनती है अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके मेथड्स हैं जैसे व्हर्लपूल एंड इमर्स्ड बाथ, टर्बुलेंस इन वाटर, ठीक है। अब व्हर्लपूल मतलब वो व्हर्लपूल आता है ना, जैसे मशीन्स, ठीक है, कपड़े धोने वाली मशीन होती है, मशीन में क्या होता है पानी ऐसे गोल गोल मतलब वो होता है, रोटेट होता है पानी, ठीक है ना, फास्ट। तो व्हर्लपूल में भी ऐसा ही होता है, एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसमें पानी गोल गोल ऐसे सर्कुलर मोशन में हिलता रहता है। तो उसमें हमने हम अपने फुट या फिर जो जहाँ पे हमें इंजरीज हुई है हम वो पार्ट वहाँ पे डालते हैं, हम हैंड डालते हैं या फिर हम फुट डालते हैं, तो हम उससे हमारी जो है वो हीलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैराफिन बाथ। पैराफिन बाथ में क्या होता है, ये मिक्सचर होता है हॉट वाटर का और मिनरल ऑयल का, मिनरल ऑयल और हॉट वाटर का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं पैराफिन बाथ। आपने बस ये याद रखना है कि कौन सा जो कौन सी मतलब थेरेप्टिक ये है, ठीक है, डिजीज़ को ठीक करने का मेथड है और वो किसके अंदर आता है, ठीक है। और आपको या जैसे पैराफिन बात है, ये हॉट वाटर और मिनरल ऑयल का मिक्सचर होता है। और फ्लूड थेरेपी क्या होता है, ड्राई हीट थेरेपी, ठीक है, जैसे सोना वाथ वगैरह होते हैं तो ये ड्राई हीट्स होती हैं, ड्राई हीट थेरेपी होती है, ठीक है। और डायाथर्मी, इलेक्ट्रिक वेव कन्वर्ट इन टू हीट, ये भी हीट में चेंज होती है तो इसको बोलते हैं डायाथर्मी। देन अल्ट्रासाउंड, ये साउंड वेव्स होती हैं, ये जब हम अल्ट्रासाउंड मतलब ये करवाते हैं तो वो एक किस्म का वाइब्रेशन होती है, ठीक है, ये साउंड वेव्स बोलते हैं इसको, साउंड वेव्स होती है जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, हमारी मसल्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं फिर, ठीक है। देन इंफ्रारेड रेज, ये इंफ्रारेड रेज वेवलेंथ होती है, जैसे लेजर लाइट हम यूज़ करते हैं, इससे जो थेरेपी होती है तो इसको बोलें। देन नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी बोलते हैं। जैसे जब हम जैसे कोई भी हम काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्टिमुलस रिस्पांस जाता है हमारी ब्रेन में, ठीक है, मतलब रिएक्शन होता है, पहले स्टिमुलस जाता है उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है। जो बॉडी पार्ट हमारा नहीं हिलता है, मतलब ऐसे जो बॉडी पार्ट हमें हमारी एक्शन नहीं होती है, उस बॉडी पार्ट में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के द्वारा हम मसल में वर्क करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट सेंड्स, ये इलेक्ट्रिकल पर्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हैं, सिग्नल भेजते हैं उस पार्ट में, जो पार्ट हमारा मतलब जिस पार्ट में हमारी रिएक्शन जो एक्शन है वो नहीं हो रहा है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो सेंड करता है थ्रू स्किन, स्किन के द्वारा, टू हेल्प स्टिमुलेट इंजर्ड मसल, जो इंजर्ड मसल है उसको स्टिमुलेट करने के लिए। यूज, ये कब यूज होता है, व्हेन इंजर्ड पर्सन हैज़ कन्फाइंड टू बेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे जब एक पर्सन जो है वो काफ़ी देर से बेड पे हो, जिससे उठने नहीं हो रहा हो, वो बॉडी पार्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहा हो, तो उसको इलेक्ट्रोथेरेपी जो है वो देते हैं।
देन नेक्स्ट आता है हमारा इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर ये सारे कौन कौन से मेथड जो हैं वो आते हैं और इनकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले है टेंस, ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। सबसे पहले इसमें जो भी एस एस यहाँ पे भी एस है तो ये स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन, ठीक है, ये हर जगह पे इसका मतलब स्टिमुलेशन ही है। और अगर कहीं पे एन होगा, ठीक है, यहाँ पे एन है तो इसका मतलब नर्व ही है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स से ही होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नर्व जो है वही स्टिमुलेशन करती है, वही सिग्नल पहुँचाती है। तो एन जो है वो नर्व का काम है यहाँ पे, तो वहाँ से आपको थोड़ा इजीली याद करने में हो जाएगा। टेंस है, ठीक है, टेंस का मैंने बता दिया। देन ई एम एस इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, आई एफ एस इंटरफेरेंशियल करंट, तो ये आप ये सारे देख सकते हो। देन आता है ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कोई भी बॉडी पार्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपकी बाजू में या फिर किसी भी पार्ट में अगर हड्डी बोन फ्रैक्चर हुआ हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले खींचता है उसको अपनी पोजीशन में लाता है, उसके बाद ऊपर जो भी उसको करना होता है वो मतलब प्लास्टर वगैरह वो कर देते हैं। तो इसमें ट्रैक्शन में क्या होता है, एक मशीन होती है जिस मशीन के द्वारा उस पार्ट को जहाँ भी इंजर्ड पार्ट हो उसको मतलब स्ट्रेच किया जाता है, उसको खींचा जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रैक्शन। देन आयंटोफोरोसिस, आयंटोफोरोसिस भी मतलब इलेक्ट्रिक करंट का ही एक पार्ट है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ही मतलब ये भी थेरेपी होती है। देन हम आ जाएंगे हाइड्रोथेरेपी में। हाइड्रोथेरेपी होता है थेरेपी विद वाटर, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, ठीक है, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, तो ये थेरेपी विद वाटर यूज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस भी ये चीज़ें भी याद रखनी है आपने। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, वीक बोन्स, ठीक है, जैसे एज हो जाती है मतलब प्यूपल्स की तो उनकी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देन ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसको बोलते हैं डिसऑर्डर इन जॉइंट्स, ठीक है, जब जॉइंट्स वगैरह में जैसे बोलते हैं ग्रीस ख़त्म हो गई है या फिर तो जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है, आर्थराइटिस। देन पार्किंसन डिजीज, इसको बोलते हैं ये हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी ही डिजीज होती है, वो डिसऑर्डर हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा मेथड्स कौन कौन से हैं हाइड्रोथेरेपी को यूज़ करने के, तो सोना बाथ, ड्राई हॉट एयर बाथ, ठीक है, सोना बाथ जैसे मैंने आपको बताया, ये सोना बाथ में क्या होता है, जैसे एक रूम होता है तो रूम में मतलब एक पूरे रूम में ऐसे स्टीम सी होती है, तो वहाँ पे स्टीम थोड़ी देर स्टीम लेके तो उसको हॉट एयर बाथ बोलती हैं। देन स्टीम बाथ वही आ गया, सोना बाथ, उसके बाद आता है कंट्रास्ट बाथ, ठीक है, कंट्रास्ट थेरेपी में क्या होता है, इसमें कोल्ड और वाटर सॉरी कोल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी होती है। सबसे पहले हम कोल्ड वाटर थेरेपी देते हैं, उसके बाद हम मतलब कोल्ड वाटर से थेरेपी देते हैं, फिर हॉट वाटर से देते हैं, तो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतनी देर कोल्ड से इतनी देर हॉट से, ये दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज थेरेपी, इसको फोटोथेरेपी भी बोलते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज भी वही होती हैं जो मतलब जैसे रेज वगैरह हम लेज़र वगैरह की यूज़ करते हैं या फिर किसी का करते हैं, तो ये भी उसी तरह से होता है, उसी तरह से ये थेरेपी होती है। शॉर्ट वेव डायथर्मी, डायथर्मी का जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिकल जो करंट्स होती हैं उनको हीट में चेंज करता है, तो ये भी वही है शॉर्ट वेव डायथर्मी, इस डायथर्मी का ही पार्ट है, और ये क्या करता है, डीप हीलिंग करता है, ठीक है, ये डीप टिश्यू में जाके जो है वो हीलिंग करता है। तो ये सारा जो थी इसकी टाइप्स थी या फिर आप ये थेरेप्टिक मॉडलिटीज थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में आता है। मैं इसके क्वेश्चन भी जो भी नेट में क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको वो भी एक बार करवा दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको टॉपिक में वो आप कमेंट नीचे कर दें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है, थैंक यू।